हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग घटना चक्र का यूपी असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन के लिए सेट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग कंपलसरी यानी कि पेपर 1 चला रहे हैं। तो इससे पहले हमारे सेट 5 हो चुके हैं, आज सेट 6 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। देखिए, कार में जो मिरर लगा होता है उसमें जो पीछे से जितना भी आते हैं तो उनको देखने के लिए दर्पण मतलब मिरर, किस मिरर का यूज़ किया जाता है बेसिकली ये पूछा है। तो उसमें दो होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। अब देखिए इसमें कौन सा, आप लोग खुद बताएंगे कि कौन सा यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का। तो देखिए कॉन्वेक्स जो होता है, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, और कॉनकेव, ठीक है। तो इस तरह से ये दो होते हैं हमारे मिरर, तो लेंस भी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिरर की बात की गई, क्योंकि क्या लगता है, मिरर लगता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इससे लाइट पास होती है, जब इससे रेजेस पास होती हैं, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, कितनी भी ऑब्जेक्ट्स की हो, जब इससे होकर पास होती है तो वो एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। ये इस मिरर की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ होना ही होगा। अब इस तरह से कॉनकेव की क्या होती है, कॉनकेव जो होती है वो इस तरह से होता है कुछ इसका शेप, और जब इससे पास होती है रेजेस तो वो क्या हो जाती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस ना करके वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो कुछ क्या होगा कि ये इतने एरिया में दिखेगा और ये इतने से एरिया में सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी। मान ली इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमें इतने से एरिया में दिख जाएंगी और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पर अगर हमें इतने से एक छोटे से मिरर में हमें चाहिए कि पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग दिखें, तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना चाहिए, यानी कि हिंदी में कहें तो उत्तल दर्पण यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हर सेट में पेपर आ रहे हैं, तो इसको फिर से हम, क्योंकि हो सकता है ये कोई फर्स्ट व्यूअर जो है पहली बार देख रहा हो, तो हम बताएंगे पूरा। तो देखिए हरित क्रांति जो है यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसका जो फाउंडर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। इनको इसके लिए क्या मिला था, इसको इनके लिए क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो याद रखना आसान है, देखिए एक जैसी स्पेलिंग है ना, नॉर्मन बोरलॉग को क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था। अब ये थी क्या, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ वाले, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले, इन्होंने वीट जो है उनका कल्टिवेशन किया था, वीट का जो क्या हुआ था, इन्होंने प्रोडक्शन किया। तो इन्होंने जब प्रोडक्शन की बारी आई तो उन्होंने देखा कि जितना नॉर्मली होता था प्रोडक्शन, उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ये किसकी वजह से, क्योंकि क्वालिटी पे, बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने यूज़ की थी। तो उस पर क्या हुआ, इनको मतलब करीब 1.5 से 2.5 टाइम्स जो है इनका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हुआ। तो ये जो है इसी को इन बेस माना गया, और फिर आगे इससे रिलेटेड और भी रिवॉल्यूशन आए। तो ये जो है सबसे पहले तो ये फादर जो हैं इसके नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन से हैं, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन, ठीक है। इंडिया में जो ये काम किया वो किसने किया सबसे पहले, MS स्वामीनाथन। तो ये तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट। तो इनसे रिलेटेड हम और क्या जान सकते हैं, आ सकता है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो इसकी स्टार्टिंग हुई 19 यानी कि इन्होंने ये काम कब किया, 1966-67, ठीक है, कोई भी हो सकता है ऑप्शन में, 66 भी हो सकता है, 67 ये रेंज है, ठीक, इसमें इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये किससे रिलेटेड है, तो ये किससे है, वीट के प्रोडक्शन से, ठीक है, वीट प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडली ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। देखो अब देखिए ओजोन परत की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ओजोन लेयर O3, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ओजोन लेयर जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कि कौन सी लेयर में मिलती है हमें, ठीक है, ओजोन लेयर जो ओजोन है ये किस लेयर में हमें मिलती है। तो ये मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर है,
ट्रोपोस्फियर सबसे पहले हम लोग अगर ऊपर देखें तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी हमें, ट्रोपोस्फियर मिलेगी, फिर सेकेंड नंबर पे मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर। तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, ओजोन मिलती है। और इसको अब इसकी जो लेयर यानी कि थिकनेस जो है वो नापने वाली यूनिट क्या कहलाती है, उसको डॉप्सन कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर की थिकनेस को कौन सी यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं, डॉप्सन से। अब यहाँ पर और भी यूनिट पता होनी चाहिए, तो देखिए पास्कल की अगर हम बात करें तो पास्कल प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होती है, प्रेशर कहें या हिंदी में दाब कहें। देखिए बाइलिंगुअल चलते हैं, क्यों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा इसको करते हैं और ऑलमोस्ट मटीरियल जो है वो हिंदी में ही मिलता है, तो जो इंग्लिश वाले भी होते हैं उनको भी हिंदी में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोग यहाँ पर ये सीरीज़ चला रहे हैं, ताकि उनको, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ज़्यादातर हिंदी में अवेलेबल हैं तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसलिए ताकि टर्म्स भी हम लोग इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं और हिंदी में लिखा है तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो अगर प्रेशर की हम बात करें, हिंदी में दाब कहते हैं, तो दाब की यूनिट क्या हो गई, पास्कल हो गई। अब एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये किसकी है यूनिट, ये लाइट की कौन सी, लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो तरंग दैर्ध्य की यूनिट है। अब ये नॉट जो है, देखिए नॉट जो ये यूनिट यूज़ की जाती है, ये मैरीटाइम एविएशन में यूज़ की जाती है, मैरीटाइम एविएशन में यूज़ की जाती है, और ये है क्या, स्पीड की यूनिट है। ठीक है, स्पीड की यूनिट है। तो ये कुछ हो गई यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन यूनिट्स रिलेटेड है कि कौन सी ये सदिश राशि है। अब देखिए सदिश दो टाइप की होती हैं, एक सदिश होती है एक अदिश होती है। सदिश की हम बात करें इंग्लिश में तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और अदिश को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिनमें जैसे हमें क्या होता है, पता होता है कि इतने डिस्टेंस हमें चलना है, अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, हमें इतने डिस्टेंस चलना है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या पता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है। अब हमें क्या, दूसरा ये स्टेटमेंट है कि हमें इतने डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चलना है, तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ क्या पता हो, हमें डायरेक्शन पता हो, तो वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है कि हमें इतने डिस्टेंस जाना है, हमें नहीं पता कि हमें नॉर्थ जाना है साउथ जाना है किस तरफ जाना है, तो वो हो जाती है स्केलर क्वांटिटी। तो देखा होगा जो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके ऊपर इस तरह का एरो लगता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ ये बताता है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन पता है। तो इनमें से कौन सी है, देखिए टाइम, टाइम के ऊपर कभी भी लगा नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम एक मैग्नीट्यूड सिर्फ बताता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, दूरी, अब देखिए दूरी क्या है, यानी कि डिस्टेंस, इतने किलोमीटर इतने मीटर, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता है, तो ये दूरी क्या हो गई, हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए चाल, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड में हमें क्या पता है, सिर्फ इतना पता है कि इतने किलोमीटर पर आर या इतने मीटर पर सेकेंड किस तरफ, ये नहीं पता है, तो ये कौन सी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए विस्थापन, इसमें हमें क्या पता होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं, इसमें हमें क्या पता होता है कि इतने डिस्टेंस हमें इस डायरेक्शन में जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कहेंगे कि इतने डिस्टेंस हमें जाना है, 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर विस्थापन कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हेरिडिटरी जो है उसका फादर किन्हें कहा जाता है, तो उनके फादर कौन है, मेंडल है। देखिए मेंडल का आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर 10th में, तो मेंडल ने क्या किया था, कई सारे जो हैं मटर के प्लांट्स लगाए थे, पीस है ना, पीस के प्लांट्स लगाए थे अपने उसमें, और अलग अलग उनमें क्वालिटीज थी, कुछ राउंड थे एकदम जो चिकने चिकने गोल होते हैं, कुछ थे रिंकल्ड जिसमें झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, और कुछ येलो येलो बीज थे, और कुछ के क्या थे, ग्रीन ग्रीन थे। तो कलर के बेसिस पे कई सारे उनके क्या थे, फैक्टर्स थे अलग अलग, तो उनके बेसिस पे देखा था, उन्होंने देखा था, आपस में कंपैरिजन किया था, तो ये इन्होंने इसको, इनको क्या कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम डार्विन के यहाँ पर बात करें तो इन्होंने क्या, नेचुरल सिलेक्शन पे इन्होंने थ्योरीज दी थी, तो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अब ये वॉटसन एंड क्रिक वाले वॉटसन या कोई और हैं, तो यहाँ पर ये सब हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इन्हीं दो ऑप्शन को सिर्फ बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेशनल पार्क पर हमने एक वीडियो दिया था, उसमें ये हमने रखा था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यह है केवलादेव, ठीक है, केवलादेव घाना
खाना से भी सिर्फ पूछा जाता है और साथ में ये लगा भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है। ये वाला जो पक्षी अभयारण्य है ये किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो ये है कहाँ, राजस्थान में है। अब राजस्थान में भी मान ली स्टेट नहीं पूछा था, कोई जगह का नाम होता तो राजस्थान में कहाँ है ये, भरतपुर में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक सीज़न में सारस वगैरह ये सब आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा राजस्थान में और भी नेशनल पार्क हैं। देखिए राजस्थान में ये तो बर्ड सेंचुरी हो गई, ऐसे राजस्थान में एक नेशनल पार्क है जिस कहाँ पर है, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर में है। तो इस तरह से कई सारे हैं। एक नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें। देखिए जो राज्यसभा सीटें होती हैं वो किस बेसिस पे होती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन, स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है किस स्टेट में, उस बेसिस पे क्या होती है राज्यसभा सीटें जो हैं वो स्पेसिफाई कर दी गई हैं। तो राज्यसभा सीटें यानी कि पॉपुलेशन कहाँ की, तो ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, यूपी में होगा, ठीक है। तो यूपी में कितनी सीटें हैं, यूपी में देखिए 31 टोटल सीट हैं राज्यसभा की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र हमारा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है राजस्थान, ठीक है। तो यही सीक्वेंस है इसमें। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं, यूपी में है, 31 है, इसको याद रखिए। और अब बात आती है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, देखिए 250 सीट हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम 250 सीट होती हैं, जिनमें से अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 245 हैं। तो ये दोनों जो हैं इनको याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में है ये, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन आता है देखिए राज्यसभा सीटों से, कि जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वो किस में कितना होता है। तो देखिए एक होता है नॉमिनेशन 2 का और एक होता है नॉमिनेशन 12 का, ठीक है। और ये बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि 12 लोकसभा में होता है, राज्यसभा में कौन सा राज्यसभा लोकसभा में होता है। तो देखिए अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, और इसमें से अपर नंबर कौन सा है, 12 है। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं यानी कि मनोनीत होते हैं वो 12 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। और लोकसभा जो लोअर हाउस है उसमें कौन सा छोटा नंबर है, 2 है, उनके में 2 होता है। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, यानी कि एटॉमिक जो उन्होंने टेस्टिंग की थी वो कब की थी फर्स्ट, तो वो की थी 1974 में, ठीक है। फर्स्ट टेस्टिंग देखिए की थी 1974 में। एक तो ईयर पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि कहाँ की थी, कहाँ की थी, तो वो की थी पोखरण में। देखिए ये वर्ड बहुत, ये मतलब जगह, ये बहुत फेमस है, इसके लिए पूछा जाता है पोखरण। अब ये बात आती है कि पोखरण है कहाँ, तो देखिए ये है पोखरण राजस्थान के, जो राजस्थान के होंगे उन्हें तो पता होगा, तो राजस्थान के जैसलमेर में है, ठीक है। ये जगह है जहाँ पर ये टेस्टिंग की गई थी, राजस्थान के जैसलमेर में, पोखरण। उसके अलावा और क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए क्योंकि ये फर्स्ट हुआ था, तो जो फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट टाइम चीज़ें होती हैं वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें जो इसका कोड, एक कोड रखा जाता है, हर चीज़ का एक नाम होता है ना, तो उसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा जो था इसका नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाले टेस्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका सेकेंड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ईयर दिया इसलिए हम बता देते हैं, जो सेकेंड टेस्ट हुआ था ये 1998 में हुआ था और वो भी यहीं हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है, ये बस यार याद रखना है 1998 में हुआ था, फर्स्ट 1974 में हुआ था, और प्लेस एकदम सेम है। अच्छा हाँ, सेकेंड का नाम जो था वो क्या था, सेकेंड का नाम था शक्ति 98 याद रहेगा, इससे याद रहेगा 98, ठीक है। और फर्स्ट में क्या रहेगा, शक्ति डैश 98, इस तरह से नाम था इसका सेकेंड वाले का, और फर्स्ट का था स्माइलिंग बुद्धा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं 5-year प्लान, तो टोटल कितनी चलाई गई, टोटल 12 चलाई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग कब हुई। सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई इनकी, ये हुई 1951, क्योंकि 5-year प्लान था, तो ये कब तक चला, 1956, ओके। तो देखिए 1951 से 56 फर्स्ट 5-year प्लान चला, उसके बाद 12 तक जब आए, 12 जो चला वो था, उसका भी ईयर हमें पता होना चाहिए, तो 2012 से लेकर, याद रखिएगा 12 जो चला वो था 12 से लेकर 17 तक, याद रखना मुश्किल नहीं है बिल्कुल,
फाइव ईयर है तो 17 तक गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जब नीति आयोग बना, नीति आयोग बन गया था कब, 2015 में, जब मोदी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई। तो 2015 में जब नीति आयोग बना तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म बहुत सारी योजनाएं बनने लगी। तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो वो सारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं अलग अलग सेक्टर में चलने लगी, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, प्लानिंग कमीशन पहले था नीति आयोग से पहले, और ये कब जो है ख़त्म हुआ, तो ये 2015 में इसका हटा, ये ख़त्म हो गया। और इसका इन्होंने कब कहा, जब ये लाल किला पर जब इन्होंने स्पीच दी 2014 में, तो उसी टाइम इन्होंने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को कह दिया था कि ये ख़त्म हो गया है और हम लोग स्टार्ट करेंगे नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। तो देखिए चेयरमैन की बात करें तो यही है पीएम मोदी, ठीक है, चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन जो हैं वो दो पूछे जाते हैं। देखिए वाइस चेयरमैन एक तो जब फर्स्ट टाइम बनी नीति आयोग तब कौन थे, तो थे अरविंद पगाड़िया, ठीक है, अरविंद पगाड़िया, ठीक है। और अभी करंट टाइम पे कौन है, राजीव कुमार, इसे ध्यान रखिएगा। और चेयरमैन पीएम मोदी, तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे। देखिए एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अर्थ समिट हो, चाहे वो हमारा ओजोन लेयर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो वो थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि हमें पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, 1997 में, कहाँ हुआ, जापान में, ठीक है, जापान में ये समिट हुई, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट कह सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट एक समिट हुई जिसमें क्या हुआ कि इस प्रोटोकॉल पे सबने साइन की, ठीक है। एग्रीमेंट में ये चीज़ें थी कि जितने भी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो टारगेट्स हैं, उन पे साइन हुआ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये तो पता है कि यूएन से रिलेटेड है, लेकिन यूएन की कौन सी ब्रांच से, तो यूएनएफसीसी, ये भी पूछा जा सकता है, FCCC, CCC, UNFCCC, तो ये इससे रिलेटेड है, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योंकि ये एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे ऑप्शन तो एनवायरनमेंट हो गया। अब इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, देखिए एफ से है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इस तरह से CCC है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके साथ हम ये बताना चाहेंगे कि इस सीरीज ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, और अभी आप लोग सोचोगे 20 सेट, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं तो ये बहुत स्लो चल रही है। तो देखिए अभी थोड़ा एक हफ्ते या 1 वीक तक ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा स्लो डाल रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो उसके बाद जो है फिर ये काफ़ी तेज़ी से हम लोग हर 2 डेज पे हम लोग ये इसको अपलोड करेंगे। तो अभी बस पढ़ते रहिए, इससे जुड़े रहिए। डिटेल में पढ़ना है तो यूपी असिस्टेंट टीचर की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पे सीधा विजिट कीजिए, वहाँ से आप देखिए कि वहाँ पर यूपी असिस्टेंट टीचर की प्लेलिस्ट है। उसमें टीचिंग एग्जाम के हमने क्या किया कि यूपी टेट के, क्योंकि काफ़ी कुछ रिलेट करता है यूपी टेट से, तो यूपी टेट और सी टेट के भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले। वो तो एक यूपी टेट अगर कोई पर्सनली देता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में टीचिंग एग्जाम क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले प्राइमरी हुआ था, जूनियर तो हुआ नहीं था, तो यूपी टेट के जितने जूनियर हैं कम से कम उनको तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, 2011 से लेकर 19 तक जितने भी जूनियर के एग्जाम्स हुए, क्योंकि लेवल जूनियर का अलग थोड़ा सा होता है, प्राइमरी का अलग होता है, तो उनको ज़रूर देखिएगा क्वेश्चंस को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, ईवीएस हो, क्योंकि साइंस ईवीएस में एक दूसरे में क्वेश्चन
ये आप लोगों को पता होगा कि साइंस का क्वेश्चन ईवीएस में आता है, ईवीएस के क्वेश्चन साइंस में भी आ जाते हैं, तो वो सारे सेट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग एक खुद समझ पाएंगे कि हाँ कितने ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। तो इसमें यूपी इसके यूपीएससी ने टीचर में हम लोग क्या किया, पुराने जितने भी टीचिंग एग्जाम है यूपीटेट सीटेट ये सब हम करवा रहे हैं। यूपीटेट कम्प्लीट हो गया है, सीटेट हो रहा है, और इसके साथ ही हम लोग सोशल स्टडीज़ का भी हम लोगों ने यूपीटेट का स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे चीज़ें देखिए हो रही हैं, तो आप लोग चाहें तो इसको अभी करते रहें, क्योंकि एक साथ हमको भी पता है कि हमने ऑनलाइन बहुत पढ़ाई की, तो हमें पता है ये एक साथ पूरी प्लेलिस्ट होती है, 50 क्वेश्चन है, वो कोई नहीं पढ़ता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे होता जाए वैसे पढ़िए, तो उसके साथ आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड ड्रेन निम्नलिखित में से किसके कारण होती। देखिए एसिड ड्रेन है ये भी एक एनवायरनमेंट का इशू है, तो देखिए एसिड ड्रेन होती है ये हमें पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी वजह से होती है। अब ये होती कैसे है, तो देखिए हम यहाँ पर बैलेंस करके इक्वेशन नहीं बताएंगे, हम मेन ये बताएंगे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं। क्या होता है कि बादल, अब बारिश हो रही है, वहीं पे नीचे एटमॉस्फेयर है, उसमें ये सारी हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड टहल रहे हैं और सल्फर के ऑक्साइड टहल रहे हैं। तो अब नाइट्रस ऑक्साइड जो कि है इसकी वजह है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है, और हमारा जब ये बारिश होती है तो वाटर हो गया मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या होते हैं रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, HNO3 बना लेते हैं। ठीक है, अब HNO3 क्या है, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा, एसिड ड्रेन की एक वजह हो गई, क्या हो गई कि N2O का प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में। अब इसी तरह दूसरा है, देखिए दूसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सब चीज़ें आती कहाँ से, अभी ये भी बताते हैं, ये जब H2O से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, एग्जैक्टली यही नहीं होती है, कई स्टेप में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बना लेगी, ये H2SO4 बना लेगी। या मोटा मोटा आपको ये समझा रहे हैं कि कौन सा रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, तो ये कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ये भी एक कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो चीज़ें हैं इसके प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस, ये सब क्या वजह बनती हैं एसिड ड्रेन की, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसकी वजह। अब ये होती कहाँ है, जो इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनमें जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है उनसे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है इन गैसेस की वजह से। सुना होगा ताजमहल के जो संगमरमर है वो उसका जो है, इसीलिए वो उसका कलर जो है वो हल्का हल्का येलो सा पड़ रहा है, तो वो इसी वजह से, एसिड ड्रेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, और जब वाटर से रिएक्शन हो रहा है तो ये इनमें कन्वर्ट हो रहा है। अब जब एसिड कहीं उसमें पड़ेगा वाइट, उसमें तो उसका ब्लीचिंग तो होगी ना, तो वही प्रॉब्लम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है, तो नहीं है इसको हाईलाइट कर दिया कीजिए। अब देखिए यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, बंदी जीवन, तो ये सारे से रिलेटेड है, बस एक से नहीं है, बंदी जीवन इनका नहीं। बंदी जीवन किससे, किसका है, ये शचीन्द्र सान्याल, इनका नाम सुना होगा, शचीन्द्र सान्याल, ये इनकी है। बाकी नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ये सब किसके हैं, महात्मा गांधी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CNG जिसे क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा है यहाँ पर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये होती क्या है, देखिए हमारी नेचुरल गैस होती है ये, उसी से बनी हुई। अब नेचुरल गैस क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना वॉल्यूम कवर करती है, ठीक है, एक वॉल्यूम कवर करेगी किस प्रेशर पे, देखिए यहाँ पर खेल किसका है, प्रेशर का है, क्यों, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, कंप्रेस्ड लगा है। कंप्रेशन कब होता है, जब कोई प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर पे चीज़ होती है तो वहाँ पर कंप्रेशन वर्ड आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम जितना ये नेचुरल गैस कवर करती है उसका 1% से भी कम वॉल्यूम, इसका 1% से भी कम वॉल्यूम जो है ये कवर करती है जब इसको प्रेशराइज्ड किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीडन, सुना होगा वर्ड, संपीडित करते हैं इस गैस को, यानी कि इसको कंप्रेस्ड करके इसके 1% वॉल्यूम से भी कम जो है इसको डेवलप किया जाता है, CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट को बैलेंस बनाने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया होने चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट जो एरिया पार्ट होना चाहिए वो कितना होना, 33% होना चाहिए, यानी कि टोटल का
जितना भी टोटल एरिया है हमारी कंट्री का, उसका 1/3 पार्ट क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। टोटल हमारी कंट्री का 1/3 पार्ट में फॉरेस्ट होने चाहिए, तो हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ये बैलेंस में रहेगा। और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, एनसीईआरटी। हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ाते हैं, तो अगर आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी, डिटेल में पढ़नी है एक एक चैप्टर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है क्लासेस की, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब। और 7 के भी हमने साइंस, ज्योग्राफी और मैथ स्टार्ट कर दिए। अब देखिए ग्रीन मफलर क्या है। ग्रीन मफलर जो है ज़्यादातर इन्वायरमेंट इश्यूज़ के हैं, ज़्यादातर इसमें एयर पोल्यूशन वाले। तो देखिए क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये बहुत सारा धुआं निकलता है, चिमनियाँ वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर क्या होता है कि उन एरिया में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, अब ये क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये साउंड को जो ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो शोर होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो अगर उनकी, क्योंकि हम लोग की साउंड की रेंज क्या होती है 20, यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं हम, 20 डेसिबल हम लोग कितना साउंड सुन सकते हैं, तो इसकी मिनिमम हम लोग 20 डेसिबल सुन सकते हैं और मैक्सिमम 20,000, ठीक है, डेसिबल हम लोग की साउंड रेंज होती है, इतना हम लोग ऑडिबल होता है, इतना हम लोग सुन सकते हैं। अब इससे ज़्यादा जो होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये उस साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एनवायरमेंट में क्या कहते हैं उसे, साउंड पॉल्यूशन जो है, नॉइस पॉल्यूशन जो है, ये कम हो जाता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें क्या, ग्रीन मफलर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, गेहूं का खेत, कपास का खेत, धान का खेत और मूंगफली का खेत। देखिए ये पीसीएस में भी एक बार क्वेश्चन आया था, पैडी फील्ड्स इसमें ऑप्शन था, तो उसका आंसर वही था धान का खेत, पैडी फील्ड्स होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर लेते हैं, तो देखिए जो माइनिंग्स होती हैं, कोल माइनिंग्स जो होती हैं, कोयले की जो खदानें जो होती हैं, कोल माइनिंग्स, वो पैडी फील्ड्स यानी कि धान का खेत। और इस जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या, ये सब किसका एमिशन करते हैं, मीथेन गैस का करते हैं, CH4 मीथेन गैस का एमिशन करते हैं। तो ये हैं कौन से, ये हैं देखिए दो कैटेगरी होती है, एक ह्यूमन मेड, एक नेचुरल। तो ये कैटेगरी आती है ह्यूमन मेड में, एक नेचुरल कैटेगरी जो आती है, नेचुरली जो होते हैं एमिशन, उसमें आते हैं वेटलैंड्स, जो आद्र भूमियाँ होती हैं, सुनो अगर आमसर साइट्स वगैरह, तो वेटलैंड्स जो होती हैं ये एमिशन, यहाँ पर एमिशन होता है, नेचुरली होता है। और सेकेंड होता है सी कह सकते हैं, समुद्र, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पैडी फील्ड्स, धान का खेत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखिए रिमूवल है निर्वाचन आयुक्त का यानी कि इलेक्शन कमिश्नर का, कि इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324। अगर हम रिमूवल की बात करें तो उसमें क्या होता है 324 में ब्रैकेट में 5 लग जाता है, ठीक है, 324 के 5 में इसका रिमूवल है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लोग होते हैं, एक मेन इलेक्शन चीफ जिसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 कौन से होते हैं नॉर्मली इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो देखिए इनको हटाने की, अगर इनके रिमूवल की बात है, तो अगर चीफ की हम बात करें, हमें दोनों को पता होना चाहिए, अगर हम चीफ की बात करें तो इसका रिमूवल उसी तरह होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है, ठीक है। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, इनकी बात करें, इनका रिमूवल जो कि पूछा गया है निर्वाचन आयुक्त को, तो इनको जो होता है इस बेन वाली की सिफारिश पर किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये पता होना चाहिए किसके थ्रू किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, और किसकी सिफारिश पे या किसके परामर्श के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके परामर्श देने पे दिया जाता है, तो कौन सा है, मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये आर्टिकल याद रखिएगा 324(5). उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बीएन राव। संविधान सभा को इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बीएन राव थे। और एक चीज़ ये बतानी चाहिए, संविधान सभा के जो चेयरमैन थे, ठीक है, अध्यक्ष कहें, चेयरमैन कहें, तो वो सबसे पहले कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे,
ठीक है, और ये टेम्परेरी थे। इसके बाद अगर पूछा जाए संविधान सभा के परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट थे, तो वहां पर आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद, वहां पर राजेंद्र प्रसाद आएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये फर्स्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति इम्पीचमेंट जो वर्ड है ये यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के लिए, और भी लोगों के लिए यूज किया है, इसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट जो चलता है वो उससे कितने टाइम पहले उन्हें जो है सूचित किया जाता है, तो वो 14 डेज पहले। देखिए 14 डेज पहले, ज्यादातर हर चीज में 14 डेज पहले ही है कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप और चीजें पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे, अगर ये चीज ना भी पता होती तो भी यहाँ पे आप 14 डेज लगा देते। इम्पीचमेंट जो आता है ये आर्टिकल 61 में आता है, इसे पता होना चाहिए। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आता है। अब ये प्रोसेस के बारे में है 61(2) में, इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के थ्रू, देखिए पार्लियामेंट के किसी भी आप हाउस में जाइए, लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में ये चीज़ हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है कि उसमें जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर क्या कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि इसे हटाना चाहिए, महाभियोग चलाना चाहिए। तो ये चीज़ उससे वहाँ पर पार्लियामेंट में कहने से पहले उसे नोटिस देना होगा, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, ठीक है, कि ये प्रोसेस होगी, तब वो जो है ये काम कर सकता है यहाँ पार्लियामेंट में। अगर उसने ये नोटिस नहीं दिया तो वो नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। देखिए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और जो पार्ट्स होते हैं आर्टिकल्स, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनमें से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें जहाँ पे भी आ जाएगा राज्य सरकार को क्या निर्देशित करता है, इसका मतलब डीपीएसपी की बात हो रही है, क्योंकि डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए, कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे राइट्स क्या हैं और उनके अगेंस्ट अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो इसी तरह अब स्टेट को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कदम उठाने चाहिए, तो वो चीज़ें आती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। वो स्टेट अपनी डेवलप करने के लिए क्या कुछ पॉलिसीज बनाता है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल, अब हमें पता होना चाहिए कि ये डीपीएसपी है किस में, तो ये है आर्टिकल 36-51 के बीच आता है, ठीक है। अब इसमें जो ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात की गई, ये आर्टिकल 40 में आता है, इसे याद रखिएगा, ये आर्टिकल 40 में आता है ग्राम पंचायतों को संगठित करने की। इसमें क्या होता है कि ग्राम जो पंचायतें होती हैं उनको स्टेट पावर देती है, उनको क्या करती है स्टेट पावर देती है कि वहाँ पर वो उनके राइट्स क्या हैं, उनके क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं, है ना। तो ग्राम पंचायत को जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको बाद में समझेंगे। तो ये एक तरीके से जो वहाँ का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्टेट जो है इसे पूरा ये पावर देती है, उसका ये काम होता है उसको डेवलप करना। तो ये आता है आर्टिकल 40 में, इस पार्ट में आता है डीपीएसपी, तो ये पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पैक, इसे कहते हैं इंग्लिश में पैक, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है जितना भी पब्लिक अकाउंट्स होता है, जितना भी लेखा जोखा होता है पब्लिक का, वो सारी चीज़ें। तो अब देखिए इसके अध्यक्ष की बात की गई है। देखिए एक नाम सुना होगा कैग, कैग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, आर्टिकल 148 में आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने 148 के थ्रू ये पावर दी है पोस्ट दी। तो कैग जो होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी पता होना चाहिए, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका क्या काम होता है, जितना भी नेशनल इंटरनेशनल जितना भी अकाउंट्स का काम होता है, ऑडिट, उसे ऑडिट करना, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू उससे क्या करना, उसका पूरा ऑडिट करना, क्या करती है जो ये समिति होती है, यानी कि ये लोक लेखा समिति, यानी कि जो ये कमेटी होती है, इसके जो ये अध्यक्ष होते हैं, इनका काम होता है कि ये इनको ऑडिट करना, यानी कि इनका इंस्पेक्शन करना कि ये रिपोर्ट कैसी है, मतलब इनका पूरा डेटा देखना, इंस्पेक्शन कहते हैं मेनली। तो ये काम होता है इनका। अब ये होते कौन है, देखिए इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बनाया गया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी पावर होगी, मान लीजिए
अभी गवर्नमेंट में जो पावर है, तो ये जो इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, जो ओपोजिशन होगी, जो ओपोजिशन होगा वहाँ से इसके मेंबर चुने जाते हैं। ओपोजिशन में राज्यसभा लोकसभा से इसके मेंबर चुने जाते हैं। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली आप सोचिए क्या है, अगर मान लीजिए जिसकी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है उसी ये कैग जो है वो अपना काम करेगा ना, कि देखिए हमने इतने अच्छे से हर चीज़ प्रॉपर की, मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि उसमें वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो उसका इंस्पेक्शन किसके थ्रू होगा, उसका जो अपोजिशन वाला होगा, तो अपोजिशन से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, राज्यसभा हाउस और लोकसभा, यहाँ दोनों से नॉमिनेट करता है। अब देखिए ये करता कौन है, यही क्वेश्चन है हमारा, तो ये लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। नॉमिनेट किसे करता है, जो ओपोजिशन में राज्यसभा लोकसभा में जो होते हैं उनको करता है इस कमेटी में। अब देखिए अब इस कमेटी में तो ये भी आ सकता है कि इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो देखिए इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा से 7 नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा से 15, टोटल 22 हो गए, ठीक है। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, पूछा जा सकता है। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 जो होते हैं मेंबर, ये नॉमिनेट किए जाते हैं किसमें, पैक में, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो देखिए गायत्री मंत्र जो है इसको इसका हमें मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें, टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर हम यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना है वेद, सबसे ओल्ड है और सबसे बड़ा है, ठीक। इसके अलावा एक कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि इसमें मंडल कितने, यानी कि चैप्टर्स कितने हैं, तो इसमें चैप्टर्स हैं टोटल 10, ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं। और इसमें वो पूछा जाता है सूक्त कितने हैं, यानी कि जो लाइंस होती हैं वो कितनी है, तो वो है 1028। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके ये किस उसमें मिलता है, तो ये देखिए थर्ड चैप्टर में मिलता है, ठीक है, थर्ड चैप्टर में इसके गायत्री मंत्र के बारे में हमें मिलता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा क्या था, दारुल शिफा क्या था, एक खैराती अस्पताल था। देखिए इससे रिलेटेड फिरोज शाह तुगलक के थ्रू और भी कई सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे, तो वो हम यहाँ पर बता देते हैं। एक दानशाला भी था, एक पुस्तकालय भी था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो देखिए यहाँ पर जो और उनसे पूछा जाता है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, दारुल शिफा, शिफा मतलब होता है जो फ़ायदा पहुँचाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो शिफा होता है, दवा खाते हैं फ़ायदा मिलता है ना, बेनिफिट, तो वो उसे कहते हैं दारुल शिफा, यानी कि खैराती क्या था, अस्पताल था जहाँ पर फ्री इलाज होता था लोगों का। इसके अलावा इसने कई सारे काम किए थे, देखिए 300 टोटल टाउन्स अप्रॉक्स हम बोलेंगे इसने टाउन्स बनवाए थे, जिनमें से नाम सुना होगा फिरोजाबाद और जौनपुर, नाम सुना होगा जौनपुर सिटी, पूछा जाता है किस रूलर के थ्रू बनवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के थ्रू। इसके अलावा एक चीज़ और हम पहले बताना चाहेंगे, फिरोज शाह तुगलक का ये जो तुगलक डायनेस्टी थी ये चली थी 1320 से 1414 तक, 1414 AD, ठीक है, 1414 AD तक चली थी ये, इसकी रेंज थी तुगलक डायनेस्टी की थी। और ये थर्ड नंबर पे था, फर्स्ट पे कौन था, गियासुद्दीन तुगलक, सेकंड पे था मोहम्मद बिन तुगलक और सेकंड पे था फिरोज शाह तुगलक, तो ये थर्ड नंबर पे था। अब टाउन्स की हम बात कर रहे थे, पुराना में जो हिसार है, हिसार वो भी इसके थ्रू बनाया था, फिरोज शाह कोटला जो है वो भी इसके थ्रू, और फिरोजपुर, फिरोजाबाद, मतलब इसने सब अपने नाम पे रखे थे, फिरोजाबाद, यहाँ तक कि फतेहाबाद भी इसी के थ्रू बनवाया गया था। तो इसके अलावा एक ये तो चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया था दारुल शिफा नाम से, एक क्या था लॉन्गेस्ट, एक इसने कैनाल बनवाई थी, लॉन्गेस्ट कैनाल बनाई थी जो सतलज से जाती थी हांसी तक, ठीक है, सतलज से हांसी तक जाती थी, ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनाल थी उस टाइम। अब उसके अलावा क्या हुआ था कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा पिलर, अशोक का जो मेरठ पिलर है वो ये लाया था, ये ले आया था दिल्ली, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक जो था ये अशोक का मेरठ पिलर ये ले आया था दिल्ली, और दिल्ली से फिर कहाँ ले गया था, वहाँ पर फिरोजाबाद में, ठीक है, जो कि इसी के थ्रू बनवाया गया था।
इसे याद रखिएगा पॉइंट को, फिरोजाबाद में ले गया था। एक ये क्वेश्चन आता है फिरोजशाह तुगलक से रिलेटेड। एक ये पूछा जाता है कि एक डिपार्टमेंट था दानशाला, जिसे हिंदी में कह रहे हैं, यानी कि दीवाने खैरात, दीवाने खैरात के नाम से था। खैरात मतलब क्या होता है, जो चैरिटी होती है, मतलब जो पैसा देते हैं, दान जो करते हैं, उसे कहते हैं उर्दू में दीवाने खैरात। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें था कि पेरेंट्स वहाँ पर अपनी बेटियों की मैरिज के लिए वहाँ पर पैसा ले सकते हैं, तो ये दीवाने खैरात था। ठीक है, इसके टाइम पे नंबर ऑफ स्लेव्स बहुत थे, ये भी पूछा जाता है। तो उनका नंबर जो था वो था 1,80,000 स्लेव्स थे इसके टाइम पे, फिरोजशाह तुगलक के टाइम पे थे। और इसका इतने ज़्यादा स्लेव थे तो इसका एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया था, जिसका नाम था डिपार्टमेंट कह रहे हैं, जिसका नाम था दीवाने बंगदान। तो देखिए दीवाने तो सब में जुड़ा होता है, बंगदान या ठीकेगा बंगदान। ठीक है, ये किसका था, ये स्लेव्स का एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था। इसके अलावा इसने जो है ज़कात टैक्स लगाए थे मुस्लिम्स पे 2% एनुअल इनकम का, और फार्मर्स पे 1/6 उनकी टोटल लैंड जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पे था, जजिया टैक्स भी लगाया था। तो ये सारे कुछ टैक्सेस थे और ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो इससे रिलेटेड थे, जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? तो देखिए इसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा हुआ था, 1942 में जो हुआ था। तो क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारे जितने भी सब रिवोल्यूशनरीज जो काम कर रहे थे वो सब क्या हो गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये अंडरग्राउंड होकर अरुणा असफ अली और इनके साथ एक और थे जयप्रकाश नारायण, तो ये मेन थे, और भी थे बहुत सारे, लेकिन मेन ये लोग थे जयप्रकाश नारायण। ये दोनों ने मिलकर जो है इसको पूरा आगे प्रोसीड किया, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें क्या है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया, मतलब कि इंडिया क्विट मूवमेंट जो हुआ था वो बॉम्बे के जो हुआ था सेशन कांग्रेस का 1942 में, वो किसके थ्रू हुआ था रेजोल्यूशंस का। तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू के थ्रू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये कहा था वी चिरोल ने कहा था, वी यानी कि वैलेंटाइन चिरोल ने, इनका पूरा नाम वैलेंटाइन चिरोल है। इन्होंने कहा था कि तिलक जो है यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक हैं। और क्या हुआ था कि तिलक ने जो है मानहानि का केस इनके ऊपर किया था, चिरोल के ऊपर, और वो वहाँ उसको लड़ने इंग्लैंड तक गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। देखिए माउंटबेटन जो प्लान था ये था एक्चुअली इंडिया को डिवाइड करने का, ठीक है, इंडिया को डिवाइड करने का ये प्लान था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें होगा देश के विभाजन की, और इसका एक और नाम होता है थर्ड जून प्लान भी कहते हैं इसे, थर्ड जून प्लान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी कि सिल्क यौन उत्पादित करता है? सबसे ज़्यादा जो उत्पादित करने वाला है वो है इसमें कर्नाटक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिल्क जो वो होता है, सिल्क को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की अगर बात आएगी तो आएगा कर्नाटक, इसको याद रखिएगा। लेकिन में काफ़ी ज़्यादा होता है प्रोडक्शन पूछा जाता है, जैसे गन्ने का प्रोडक्शन है, दालों का प्रोडक्शन है, सिल्क का है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गूगल से ये वाली प्रोडक्शन वाली लिस्ट देख लेगा 2020 की। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, ये सब आते हैं, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कर्नाटक याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई है, यानी कि निगेटिव ग्रोथ, यानी कि क्या होगा, पॉपुलेशन कमी आई होगी, तो वो कौन सा स्टेट है, इसमें नागालैंड है, इसको याद रखिएगा। नागालैंड में निगेटिव में ग्रोथ देखी गई है पॉपुलेशन में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है? देखिए अमलैंड का मतलब होता है कि जो टाउन होता है यानी कि नगर जो होता है उसके आसपास का एरिया, उसके बारे में होता है अमलैंड कहते हैं। और इसे एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है इसके लिए, हिंटरलैंड भी कहा जाता है इसे, तो याद रखिएगा अमलैंड या हिंटरलैंड, नगर के प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? नोएडा में है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं तो इससे पहला नाम इसका वीवी गिरी नहीं था, इसका नाम पहले राष्ट्रीय श्रम संस्थान था, फिर 1995 में इसका नाम बदल कर फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे ये वीवी गिरी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इन पे रख दिया गया था, यानी कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। और ये किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो हिंदी में कहते हैं उसके अंदर आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की थी। देखिए जो इनकी डेट पूछ ली जाती है तो इनकी डेट जो है लागू करने की जो डेट है वो है 28 अगस्त 2014 है। शहर से लेकर गांव तक हर बैंक में जो है ये फैसिलिटीज़ थी कि इसमें जो है वो अकाउंट खुलता था, बैंकिंग जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि वो सब उनको गरीब से गरीब लोगों को उनको मिल सके, वो लोग अवेयर हो सके कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इन सब चीज़ों के लिए ये वाली पूरी योजना लागू की गई थी। और ये कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? देखिए ये तो और ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ की है, ये हरियाणा में स्टार्ट किया गया था इसे, हरियाणा में, और ये 2015 में तो हुई थी, ये हुई थी जनवरी में। देखिए जनवरी में 2015 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, और इसका मेन ये था कि जो बेटियों की सेफ्टी के बारे में था, और जो एम्ब्रियो मतलब फीमेल एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय किया जाता है उसको ख़त्म करने की बात थी, बेटियों की एजुकेशन से रिलेटेड थी, तो बेटियों की डेवलपमेंट के लिए मेन ये योजना थी, और ये हरियाणा में पानीपत में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा वही बोल सकता हो जो उनके गुरु हों, और उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन थे? पॉलिटिकल गुरु थे और राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा क्या कहा था कि जब वहाँ साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी यहाँ इंडिया आए तो उन्होंने कहा था कि आप पहले साल क्या कीजिए, खुले कान पर मुंह बंद करके गुजारिए सर पहले साल को। और तो उन्होंने क्या किया था, पूरा इंडिया में ट्रैवल किया था, और ताकि एक एक जगह वो जाकर उन्होंने देखा था, ट्रैवल किया था, और फिर लोगों की कंडीशन को समझा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, यानी कि बायोग्राफर है जवाहरलाल नेहरू का? तो वो है फ्रैंक मॉरिस, इसे याद रखिएगा, फ्रैंक मॉरिस। गोवा शिप वार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए पांचवें और अंतिम आपत्ति गश्ती का नाम है, इसका नाम है ICGS सक्षम। इसका नाम देखिए ICGS सक्षम है, टर्म इसमें आता है ICV, इंग्लिश वालों को बता देते हैं, एक टर्म आता है OPV। तो देखिए ICV का मतलब है इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल, तो और OPV का मतलब है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो देखिए ये जो हुई है इनके जो सक्षम है जहाज, ये ICV के लिए भारतीय, यानी कि भारतीय तटरक्षक के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसका नाम है क्या? ICGS सक्षम। तो ये बच की गई थी एक, ठीक है, 30 SM गन इसमें है, और इसका ये है कि ये इसमें 70% जो है ये इंडिजिनस है, यानी कि स्वदेशी है, 70% मतलब मटेरियल, एज अ मटेरियल इसमें जो यूज़ हुआ है वो 70% इंडिजिनस था, स्वदेशी था। ठीक है, दिसंबर 2020 को ADB ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि प्रोजेक्ट फिनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए त्रिपुरा का एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है त्रिपुरा, इसमें $42 लाख जो है वो ADB ने दिया है, और इस पर उसने साइन कर दिए इस एग्रीमेंट पे। उसमें सिटी के अकॉर्डिंग जो है सारी फैसिलिटीज़ है ना, उसे पूरा डेवलप करना प्रॉपर, और यहाँ की जो टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट जो एरिया है उसको भी अच्छे से डेवलप करना, उसको मतलब पूरा समझ दिए त्रिपुरा को डेवलप करना है। उसके बाद है 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पांचवां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेज़बानी में संपन्न हुआ? तो देखिए ये हुआ विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, इसे क्या कहेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट। ठीक है,
GTS वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल शिखर सम्मेट जो ये हुई थी सम्मेट, ये 2020, इसमें कौन कौन से थे और कार्नेगी इंडिया थी, और इसके साथ जो सह मेज़बानी में हुई वो विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है जिसके मार्च 2020 में प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त है। देखिए पहले तो समझिए, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है जो वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में टू स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है, ठीक है, असम के बीच की ये परियोजना है सुबनसिरी परियोजना, और इसमें जो कितनी बिजली जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो 2000 मेगावाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अनुमान इन्होंने व्यक्त किया है, सॉरी उसकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वो 2000 मेगावाट है, तो ये बनेगी और 2020 तक स्टार्ट हो जाने की, मतलब 2022। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेब का अधिग्रहण किया था? तो ये हैं सुनील भारती मित्तल। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो वन वेब कंपनी थी, नेटवर्क कंपनी थी वन वेब, उसका जो है अधिग्रहण कर लिया है। इसका एम जो था इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड कराना और ज़्यादा तेज़ी से। तो क्या किया भारतीय ग्लोबल या इंडियन ग्लोबल कहें, तो इसने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर ये वन वेब का जो किया है, तो इसमें कितने लॉन्च किए हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें लॉन्च किए हैं 36 लॉन्च किए हैं, और उसका एम क्या है कि 2022 तक सबको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, तेज़ी से इसमें ग्रो करना। 3 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक, जिसे कहते हैं IORA, ठीक है, ये कहते हैं इसे, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ये जो पूरी काउंसिल है इसकी 20th बैठक हुई थी 2020 के किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप आयोजित की गई थी? UAE। टोटल जो कंट्रीज थी वो 22 मेंबर कंट्रीज थी और कुछ साथ में पार्टिसिपेशन भी कंट्रीज थी जो इसकी, मतलब उसकी मेंबर नहीं है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया की तरफ से कौन थे इसमें? फॉरेन मिनिस्टर थे, क्योंकि इसका क्या नाम है यहाँ के, वी मुरलीधरन नाम। क्वेश्चन है, ASCB UK द्वारा ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये चिड़ियाघर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, ये हैदराबाद के तेलंगाना में है, ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना में है, जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और ये इंडिया का फर्स्ट ये ऐसा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्गों में इसमें ऑड एंड आउट चुनना है, सॉरी इसमें प्रोपोर्शनल वाला है। तो देखिए आँख निकट दृष्टि ये इसकी डिजीज दी गई है, और दांत की क्या हो जाएगी, पायरिया हो जाएगा। इसमें ऑड वन आउट देखना है, देखिए इसमें देखने पे समझ में आ रहा है, ये जो सोना तांबा चांदी ये सब जो है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, ये सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, और ये जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब ऐसे अगर हम देखें तो ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। ये यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन यानी कि मान ली आज ये प्रेजेंट है, तो बीते कल से पहले वाला दिन क्या था, संडे था, रविवार था, यानी कि क्या हुआ, मंडे हुआ, और आज क्या है, ट्यूसडे। तो आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, 1 2 3 कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेनसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से संडे, यानी कि कौन सा दिन होगा, ये होगा रविवार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? देखिए एक दिन में जो होती हैं, अगर हम देखें
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम 12 घंटे को देखें तो ये 11 बार जो होती हैं वो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं एकदम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 24 घंटे का निकालें तभी तो एक दिन का निकलेगा, 24 घंटे का निकालें तो कितने बार होगी, ये 22 टाइम्स हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है SQU, अच्छा ये कोड है STU हो जाएगा, QRS हो जाएगा, यानी कि प्लस टू, लास्ट का देख लेते हैं OPQRS, देखिए प्लस टू पूरे में है ऐड, तो वैसे हम करेंगे WXY, ठीक है, YHJK HIJZA, प्लस टू इसमें भी कर दिया तो हमें मिल गया YJA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फेब 2021 को यूपी बजट 21-22 में यूपी जनजाति संग्रहालय यानी कि ट्राइबल इसे क्या कहेंगे लाइब्रेरी का निर्माण कहाँ प्रस्तावित किया गया है, तो वो किया गया है शाहजहांपुर में, किया गया है शाहजहांपुर में, और उसमें लगभग कितने इसमें रुपीज़ 4 करोड़, याद रखिएगा इसमें अमाउंट जो है इसकी बात की गई 4 करोड़ की अमाउंट। चलो कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या फिर कुछ भी आप लोग को चीज़ पूछनी हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करना हो, या फिर प्रीवियस प्लेलिस्ट के बारे में किसी बारे में बात करना हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, इस यूपी असिस्टेंट टीचर से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर रखा है, उसकी लिंक से आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं आके। वहां पे हमने PDF भी प्रोवाइड कर रखी है, जो भी यहां पे लेक्चर्स जो भी होते हैं वहां पे हम PDF देते हैं, ठीक है, तो रिविज़न में उसमें आसानी रहती है। और दूसरा वहां पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस सीरीज से रिलेटेड, या फिर NCERT के अगर कोई स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन कर सकता है वहां पे, उससे भी रिलेटेड सम्स कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।